आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं, आपको आरक्षण से क्या लेना देना। अरे भाई, जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, वो पत्र लिखे और आरक्षण की बात करे, जाति सर्वे की रिपोर्ट से आपके संपत्ति सर्वे के भी नतीजे निकल कर आए हैं, जो राजनीति में आपका गला का घेघ बन जाएगा। आपके माँ पिता तो केवल आपकी हैसियत बढ़ा रहे थे, इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, पत्र लिखना आपको अच्छा नहीं लगता है। चुनाव अभियान के बाद कानून के शिकंजे में आप कसे जाइएगा। कल छठे चरण का मतदान पूरे देश में चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे। बिहार दौरे पे जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव विपक्ष पे इस तरीका से बरसे कि बिहार की राजनीति में भूचाल सी मच गई है। तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, वहीं संविधान को लेकर के भी जिस तरीका से पत्र लिखा है, आरक्षण को लेकर के पत्र लिखा है, वहीं जाति आधारित गणना को लेकर के लिखा है। इसको लेकर के जदयू के मुख्य प्रवक्ता सीएमएलसी नीरज कुमार ने जवाब दिया है और तेजस्वी यादव पर खूब बरसते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सीएमएलसी नीरज कुमार, सबसे पहले आप वो सुने। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप पत्र लिखते हैं ना, विश्वास नहीं होता, ये तो लगता है किसी से लिखवाया गया है। और आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं, आपको आरक्षण से क्या लेना देना। अरे भाई, जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, वो पत्र लिखे और आरक्षण की बात करे, तो जाति सर्वे की रिपोर्ट से आपके संपत्ति सर्वे के भी नतीजे निकल कर आए हैं, जो राजनीति में आपका गला का घेघ बन जाएगा। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपके पिता ने सार्वजनिक अपमान किया। आप इस बात के गवाह हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के अंदर नजीर पेश किया कि समाज के सारे तबकों की सामाजिक आर्थिक हैसियत की गणना करवाई, और आपके माँ पिता तो केवल आपकी हैसियत बढ़ा रहे थे। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, पत्र लिखना आपको अच्छा नहीं लगता है। सच यह है कि ईडी सीबीआई में आपकी पेशी के समय जो दृश्य उपस्थित होता है, वह नई पीढ़ी को अपमानित करता है कि नौकरी के बदले जमीन लेकर के अब तक उसको नहीं लौटाया है। ये लोगों को लगता है कि मजाक का विषय है, और इसी के कारण आज आप न्यायपालिका में दंडवत होइए। आप चुनाव अभियान के बाद कानून के शिकंजे में आप कसे जाइएगा। तो आपने सुना किस तरीका से तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव जी, जिस तरीका से आप कह रहे हैं, जाति आधारित गणना करवाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने जो पत्र लिखा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने ही लिखा, लग रहा है किसी और से लिखवाया। लेकिन जो कुछ भी हो, आप जो जिस जाति आधारित गणना करवाने की बात कर रहे हैं, वही सर्वे अगर आपके जो है पूरे बात करें जमीन की हो जाए या आय की हो जाए, तो आपका गला का घेग बन जाएगा। वहीं पे सीबीआई और ईडी को लेकर के भी कहा है कि देखिए, जमीन के बदले जो नौकरी लिए हैं उसमें अब सर्वे होना बाकी है, अगर वो हो गया तो आपकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।